दोस्तों एक समय ऐसा था जब भारत को सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उस दौर के राजाओं की शान शौकत के चर्चे दुनिया भर में थे। हालांकि यही दौलत दुनिया के हमलावरों को अपनी ओर खींचती थी, इसलिए उस दौर के राजा अपने खजानों को बचाने के लिए इनसे जुड़ी जानकारियां गुप्त रखते थे। उस दौरान कई क्रूर आक्रमणकारी भले ही राजाओं की सत्ता छीनने में कामयाब रहे, लेकिन वे कई छिपे हुए खजानों को हासिल नहीं कर सके। बाद में ऐसे कई खजाने हैं जिनकी तलाश अभी करनी बाकी है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के 7 लुप्त खजानों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू से लगाकर एंड तक जरूर देखना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस रेड वाले बटन को दबाकर उस बाजू वाली घंटी पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। ग्रॉस वेनर जहाज का खजाना मद्रास। ग्रॉस वेनर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा और अमीर जहाज था। इस जहाज के अंदर 14,000 सोने की सीलियां, 19 संदूकों के अंदर सोने जेवरात से भरे हुए और 26 लाख सोने के सिक्के थे। यह जहाज चेन्नई से इंग्लैंड के लिए श्रीलंका के रास्ते रवाना हुआ था, लेकिन यह 1782 में दक्षिण अफ्रीका केप टाउन से 700 मील दूर समुद्र में डूब गया, और कहा जाता है कि वह खजाना आज भी समुद्र के अंदर पड़ा हुआ है। इस खजाने को ढूंढने की बहुत बार कोशिश की जा चुकी है, लेकिन आज तक इसका कोई अता पता नहीं है कि यह समुद्र किस हिस्से में पड़ा हुआ है। कृष्णा नदी का खजाना गोलकोंडा। कृष्णा नदी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, और गोलकोंडा हैदराबाद की एक तहसील है। गोलकोंडा में एक बहुत बड़ा किला भी है जो गोलकोंडा किले के नाम से भी जाना जाता है, जो 1518 से लेकर 1687 तक कुतुबशाही वंश की राजधानी हुआ करता था। यह जगह हीरे की खदान के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे मशहूर हीरे कोहिनूर और हुब हीरे को यहाँ से ही निकाला गया था। बता दें कि गोलकुंडा हीरों की खदान में आखिरी बार खुदाई 14वीं शताब्दी में की गई थी। तब भारत दुनिया भर में एकमात्र ऐसा देश था जहाँ पर हीरे निकाले जाते थे। हीरे की यह खदान कहाँ थी, इसका आज तक सही से कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। कहा जाता है कि हीरों की खदानों से निकाले गए हीरे आज भी कृष्णा नदी के तल पर पड़े हुए हैं। इन हीरों की खदानों के कारण गोलकुंडा दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ करता था, क्योंकि उस समय में केवल यहाँ से ही हीरे निकाले जाते थे और दुनिया भर में भेजे जाते थे। सोनभद्र गुफा का खजाना बिहार। सोनभद्र की गुफाएं बिहार राज्य के एक छोटे से शहर राजगीर जो नालंदा जिले में स्थित हैं। बता दें कि राजगीर में सोनभद्र नाम की एक गुफा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें मौर्य शासक बिंबिसार का बेशकीमती खजाना छुपा है, जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया। यहीं पर भगवान बुद्ध ने बिंबिसार को धर्मोपदेश दिया था। हालांकि कुछ लोग इस खजाने को पूर्व मगध सम्राट जरासंध का भी बताते हैं, लेकिन वहां इस बात के प्रमाण ज्यादा हैं कि यह खजाना बिंबिसार का ही है, क्योंकि इस गुफा से कुछ दूरी पर उस जेल के अवशेष हैं जहां पर अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बनाकर रखा था। सोनभद्र गुफा में प्रवेश करते ही आपको पहले 10.4 मीटर लंबा, 5.2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा एक कमरा आता है। कहते हैं कि यह कमरा खजाने की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए बनाया गया था। इसी कमरे की पिछली दीवार से खजाने तक पहुंचने का रास्ता बना हुआ है, जिसका द्वार एक पत्थर के दरवाजे से बंद किया हुआ है। इस दरवाजे को आज तक कोई नहीं खोल पाया। गुफा की एक दीवार पर शंख लिपि में कुछ लिखा हुआ है जो आज तक पढ़ा नहीं जा सका। कहा जाते हैं कि इसमें ही खजाने के दरवाजे को खोलने का तरीका लिखा हुआ है, लेकिन इस लिपि को पढ़ने में दुनिया भर के लोग नाकाम रहे। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने एक बार तोप से खजाने के दरवाजे को तोड़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो इसे तोड़ नहीं पाए। तोप के गोले के निशान आज भी दरवाजे पर मौजूद है। नादिर शाह का खजाना दिल्ली। नादिर शाह के बारे में तो हमने किताबों में बहुत बार पढ़ा है। उनके युद्ध और शासन कला के बारे में किताबों में बहुत दिया गया है। नादिर शाह 1736 में ईरान के शासक हुआ करते थे, और सन 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने 50,000 सैनिकों के साथ दिल्ली पर हमला किया, और इस आक्रमण से दिल्ली में बहुत ज्यादा लोगों को मारा भी गया और काफी लूट भी मचाई। उनके इस युद्ध का प्रमुख मकसद यह था कि दिल्ली में लूट मचाकर इस पर शासन किया जाए, लेकिन उनकी शासन करने की इच्छा अधूरी रह गई। लेकिन नादिर शाह ने जो दिल्ली में लूट मचाई थी, उसको ले जाने के लिए 240 किलोमीटर तक सैनिकों की लाइन लग गई, और कहा जाता है कि जब नादिर शाह
दिल्ली को लूटकर वापस जा रहे थे तो उनके ही तंबू में उनके सैनिकों ने उनकी हत्या कर दी और नादिर शाह के मरने के बाद यह खजाना अहमद शाह दुरानी के हक में चला गया। कुछ समय बाद अहमद शाह दुरानी की किसी बीमारी के कारण मौत हो गई और कहा जाता है कि उन्होंने यह खजाना मरने से पहले कहीं छुपा दिया था। इस खजाने के अंदर बहुत सारा कीमती सामान था जिसके अंदर सोने चांदी के जेवरात थे जिसका आज तक कोई पता नहीं है। जयगढ़ किले का खजाना, राजस्थान। राजस्थान के कुछ खजानों की चर्चा समय समय पर होती रहती है। उन्हीं में से एक है मानसिंह प्रथम का खजाना। मानसिंह अकबर का सेनापति था। माना जाता है कि 1580 में उन्होंने अफगानिस्तान को जीत लिया था। वहां के मोहम्मद गजनी से खजाने को लेकर वह हिंदुस्तान तो आ गया था लेकिन उसने इसके बारे में अकबर को नहीं बताया। उसने इस खजाने को जयगढ़ किले में दफना दिया। यह माना जाता है कि उसने महल के नीचे तहखाने बनाए और उसमें खजाने को भर दिया। कहा तो यह भी जाता है कि 1976 में इमरजेंसी के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी इस खजाने की तलाश में जान लगा दी थी। कई महीनों तक खुदाई चलती रही लेकिन उनकी ये खोज व्यर्थ गई। इस खजाने को लेकर एक कहानी और भी है। ऐसा माना जाता है कि मानसिंह ने इस खजाने के बारे में जोधाबाई को बता दिया। जोधाबाई ने इस खजाने को फतेहपुर सिकरी में स्थित एक मंदिर में रखवा दिया था। वक्त की रेत में यह मंदिर दफन हो गया और साथ ही खो गया खजाने का रहस्य। स्थानीय लोग मानते हैं कि खजाना अभी भी उसी मंदिर में है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना, केरल। हाल फिलहाल में जिस खजाने की चर्चा सबसे ज्यादा हुई है वह है पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। वह पूरी दुनिया में सबसे पैसे वाला हिंदू मंदिर है। यह मंदिर ऐसे इलाके में बना हुआ है जहाँ पर कभी कोई विदेशी हमला नहीं हुआ था। यह मंदिर उस समय चर्चा में आ गया जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर इसका भूमिगत कमरा खोला गया। 27 जून 2011 यही वो तारीख थी जब तहखाने खोलने का काम शुरू किया गया। तो उसके अंदर 6 तिजोरियां थी, उनमें से 5 तिजोरियों को खोल दिया और सरकारी कर्मचारियों की आंखों के सामने इतना खजाना दिखाई दिया कि कोई सोच भी नहीं सकता। उस समय उस खजाने की कीमत $22 अरब लगाई गई थी। बता दें कि अभी भी यह छठा तहखाना बाकी है और जब 6ठी तिजोरी को खोला गया तो उसके अंदर एक लोहे की दीवार मिली। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के मुताबिक 6ठी तिजोरी के आगे एक सांप है। उस तहखाने को जोड़कर कई अंधविश्वास जनित कहानियां सुना दी गई। माना जा रहा है कि इस तहखाने में जितना खजाना है वह पूरे खजाने से बड़ा है। सोचे उस तहखाने से क्या निकलेगा, लेकिन 6ठी तिजोरी का राज क्या है आज तक किसी को नहीं पता है। मीर उस्मान अली का खजाना, हैदराबाद। मीर उस्मान अली खान अपने समय के बहुत ही अमीर आदमी हुआ करते थे। वह हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे और उस समय वह इतने बड़े राज्य पर शासन करते थे कि वह इंग्लैंड के बराबर था। सन 2008 में फोर्ब्स मैगजीन में उन्हें दुनिया का सबसे चौथा अमीर इंसान बताया था और टाइम मैगजीन ने 1937 में उनको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताया था। और वह हैदराबाद के किंग कोटी पैलेस में रहते थे जिसे उन्होंने अपने रहने के लिए बहुत पहले बनवाया था और अपना सारा खजाना और सारी धन दौलत उसी के नीचे अंडरग्राउंड कमरे में या फिर तहखाने में रखते थे। और जब 1933 में हैदराबाद भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने उनका कुछ खजाना तो हासिल किया लेकिन आधे से ज्यादा खजाने का आज तक कोई पता नहीं है। और कहा जाता है कि उनका खजाना इतना विशाल था कि आज के समय में उसकी कीमत $33 बिलियन आंकी गई है। चार मीनार की सुरंग का खजाना, ऐतिहासिक गोलकुंडा का किला और चार मीनार के बीच 15 फीट चौड़ी और 30 फीट ऊंची भूमिगत सुरंग है। इस सुरंग को सुल्तान कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। माना जाता है कि इस सुरंग में शाही परिवार ने अपना शाही खजाना रखवाया था। वैसे तो इस सुरंग को बनवाने का उद्देश्य मुश्किल समय में किले से चार मीनार तक पहुंचना था, परंतु बाद में यहाँ गुप्त तहखाने बनाए गए और सोने चांदी के सिक्कों सहित बहुमूल्य रत्न जमा किए गए। वहां के निजाम मीर उस्मान अली ने 1936 में यह खजाना निकालने के लिए नक्शा बनाया था लेकिन खुदाई नहीं की गई। अगर आज इस खजाने की दोबारा से खुदाई की जाए तो भारत को बहुत सारा धन मिल सकता है। तो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में भारत के 7 सबसे बड़े लुप्त खजानों के बारे में बताया है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे छोटे खजाने हैं जिनका आज तक किसी को नहीं पता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह जानकारी और वीडियो
पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मिस्टीरियस टीचिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूँ एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।